खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पोलाई कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में गांधी संकल्प यात्रा काला पीपल विधानसभा में पहुंची। यात्रा गिगलाखेड़ी, अवंतीपुरा, बड़ौदिया, पगरावत कला में मंचीय कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए पोलाई कला बस स्टैंड पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई व बाबूलाल वर्मा, जिला महामंत्री अशोक कविश्वर, भाजपा मंडल अध्यक्ष कैलाश पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश चौधरी, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष कैलाश मंडलोई ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने वोट डालने के बाद उंगली की स्याही हटने के पहले धारा 370 हटा दी। नगर भ्रमण के पश्चात यात्रा बिनाया पहुंची, जहां पर सांसद द्वारा नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण कर मंचीय कार्यक्रम को संबोधित किया गया, जहां सरपंच भगवत सिंह धनगर ने भव्य स्वागत भी किया। जगह जगह गांधी संकल्प यात्रा का स्वागत हुआ। प्रतिदिन 22 से 25 किलोमीटर की यात्रा सांसद सोलंकी द्वारा पैदल चलकर की जा रही है। वह गांधी जी के आदर्शों व मूल्यों के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत के अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी के आह्वान पर आप लेके आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि महात्मा गांधी के सपनों के भारत का निर्माण करने में जो नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, तो जन जन तक ये संदेश पहुंचाना कि नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी के सपनों के भारत का निर्माण करने में लगे हुए हैं, तो उन्हीं के विचारों के अनुसार वो पूरे देश का विकास करना चाहते हैं, गांव गरीब किसान के उत्थान के लिए योजनाएं बनाना चाहते हैं। और उनके जो पिछला कार्यकाल और ये जो वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें जितनी भी योजनाएं तैयार हुई हैं वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ही तैयार की गई है। तो महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। जहाँ एक तरफ यात्रा में बहुत अधिक स्वच्छता की बात हो रही है, एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग में नहीं आने वाले प्लास्टिक पॉलिथीन को नकारने की बात आपके भाषणों में भी आ रही है, मोदी जी भी कहते हैं, परंतु आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार है, कई बड़े बड़े फैसले लिए, क्यों ना इन कंपनियों को ही बंद पर बैन लगा दिया जाए इस प्रकार की कंपनी? हमें राष्ट्रवाद अंदर से जगाना पड़ेगा। हम अगर फैक्ट्रियों में बैन लगा देंगे तो लोग अपने घरों में प्लास्टिक की थैलियां बनाकर उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में जरूरी ये है कि हम उसका उपयोग करना ही बंद कर दें, जन जागृति आ जाए, जनता अपने आप पन्नियां और थैलियां यूज करना बंद कर दे, तो ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग। एक और बात भाई साहब, जहाँ पर 370 का मुद्दा पूरे देश भर में राष्ट्रवाद के ऊपर उठाया गया, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र में कुछ महाविद्यालयों में धारा 370 को हटाना सही रहा या गलत रहा, इसके ऊपर वाद विवाद जैसे विषय आते हैं, तो इसके ऊपर देश के युवा पीढ़ी को क्या संदेश जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का कोई भी मामला मेरे नॉलेज में नहीं आया, लेकिन भारत के संविधान का आर्टिकल 19 सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यदि इस तरह का कुछ मसला हुआ भी होगा तो सब अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 370 को देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए खबर समय जगत के लिए पोलाई कला से रजनीश भमूरिया की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।